Hello, this is Ali Tahir, and I am on the sets of Rewind with Samina Peerzada. Extremely happy to be here. आज हमारी बहुत सारी बातें हुई इनसे और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बातें जब आपसे शेयर की जाएंगी तो आपको इंटरेस्ट करेंगी. कुछ मेरी पर्सनल साइड थी जो कि ये निकलवा लेती हैं किसी तरह हर एक की. देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड सी यू इन द इंटरव्यू. रिवाइंड विद समीना पीरजादा में मेरे आज के मेहमान हैं अली ताहिर. आप लोगों ने देखा है उनका काम, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं. आज बहुत सी दिल से बातें होंगी, क्या ख्याल है? तो आइए मिलते हैं अली ताहिर से. अली, थैंक यू फॉर फाइंडिंग द टाइम. बिजी आदमी नहीं क्या? मैं तो वेला आदमी हूँ. मैं तो कोई वेले नहीं हूँ, वेला इंसान. कैसे हो सकते हो वेले? डायरेक्ट करते हो. एक डायरेक्टर एक्टर जब डायरेक्टर बन जाता है तो फिर वो वेला नहीं रहता. फिर नहीं रहता है ना? और वो बड़ी एक मज़े की फीलिंग है वो. हाँ. मैं तो कुछ अर्सा एक्ट करता रहा और फिर इतने बुरे स्क्रिप्ट्स आने का एक तांता बंधा रहा कि मैंने कहा कुछ खुद करके ट्राई करूँ. तब ये समझ आई कि वो भी एक बड़ा मज़ेदार काम है. अच्छा, घर में बहुत एक्साइटेड होता हूँ. घर में अगर ऑलरेडी राइटर्स हों तो मुश्किल नहीं होता? हाँ, आसान हो जाता है. दोनों चीज़ें होती हैं क्योंकि हिजाब इम्तियाज अली ताज, फिर नईम ताहिर साहब, फिर मामा. वो दोनों चीज़ें होती हैं. देखें वो इतना सारा है ना, दरख्त दरख्त दरख्त, छाव छाव छाव, और उसके नीचे से पौधे ने टिम करके निकल है ना, अपनी जगह बनानी है. फाराम तो चला गया ना बाहर, तो इट वॉज ईजी फॉर हिम है ना. बट वट अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, मुश्किल था? हाँ, होता है. मेरा ख्याल में हर एक के लिए होता है. आप जब 20-21 साल काम कर लें इस इंडस्ट्री में, हाँ. तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं ज़रूर, और चाहे आपको अच्छा स्टार्ट मिला हो. क्योंकि देखें, जिस तरह फैमिली का आप कह रही हैं, वो एक फ़ायदा तो है एक बहुत बड़ा कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव टू इस्टेब्लिश योर ओन आइडेंटिटी, और आप उसमें आप थोड़ा फंस जाते हैं कि मैं उनकी इच्छाओं में ही ग्रो करता रहूँगा या अपना भी कुछ बना सकूँगा. क्योंकि आप कंपेयर हो रहे होते हैं हमेशा, आप नईम ताहिर का बेटा, यासमीन ताहिर का बेटा, इम्तियाज अली ताज का नवासा, मतलब वो उस तरह की ना एक चीज़ें चलती रहती हैं. द ओनली थिंग आई कुड डू वॉज टू ब्लॉक एवरीथिंग आउट एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. इसलिए मुझे लगा कि मेरा भी ट्रैवल अलावा इसके के फैमिली में मेरे बहुत सारे लोग टैलेंटेड रहे, उसके अलावा मेरा अपना जो जर्नी है वो ज़ीरो से शुरू हो के चलेगा तो फिर बात बनेगी, वरना मैं वो उनके असर में रह जाऊँगा कहीं. तो यहीं से रिवाइंड करते हैं, बचपन की तरफ जाते हैं. बचपन, हाँ. सबसे बड़ा कौन है? आप लोग तीन भाई हैं, सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल, फारहान सबसे बड़ा है. अच्छा, फारहान सबसे बड़ा है. ओके, आई थॉट वो मिडिल में है. वो ही सच अ फिट गाय है उसने. हाँ, ओके, फारहान बड़ा है, वो सबसे बड़ा है. हाँ. फिर मेहरान है. हाँ. मेहरान तो यही है या बाहर? मेहरान अमेरिका में होता है, बाय प्रोफेशन ही इज एन अकाउंटेंट. अच्छा. बट ही इज अ थिंकर, वो हमारी फैमिली का फिलोसोफर है और समझदार आदमी है बड़ा. वो अच्छा, वाइज आदमी है. ओके, एंड ग्रेट. तो वो अकाउंटेंट ही रहा या कुछ और भी किया? नहीं, उसने कुछ तो खून में होता है ना, तो वो आपको पुल करता है इस तरह. तो मेहरान इज अ वेरी गुड रीडर और अच्छा. उसको लिखने में इंटरेस्ट भी रहा. अच्छा. तो वो उसने कई जो मैंने काम किए उसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसने डेवलप किए. अच्छा. वन लाइनर्स उसने डेवलप किए. कई स्क्रिप्ट्स हमने डेवलप करते हुए उससे बहुत डिस्कस करके किया. उसके आइडियाज़ कहानी के हिसाब से ना बड़े सिंपल और बड़े मज़े के होते हैं. यस, बहन नहीं आप तीनों भाइयों की? ठीक है, तो फिर कैसा था बचपन? इतना ज़्यादा बॉयज़ हाउस टाइप नहीं था मेरा घर, सरप्राइजिंगली. क्योंकि दो बॉयज़ जो थे, ये दोनों मेहरान और फारहान, ये चले गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए. अच्छा. लेकिन बचपन की बात कर रही हो ना? हाँ बिल्कुल. जब आप छोटे छोटे मैं जब 8 साल का था तो ये लोग जाना शुरू हो गए थे. ओ,
ठीक है, तो उससे पहले का जो टाइम है वो मैंने गुजारा, उस टाइम में ऑनेस्टली फारहान के साथ बहुत टाइम कम गुजरा मेरा, क्योंकि फारहान वाज लाइक दिस आउटगोइंग गाय, वो निकला हुआ है बाहर दोस्तों के साथ। और कितना इस गैप है? 10 साल का फर्क है। हाँ तभी तो वो जाहिर है एक और उसमें था एज ब्रैकेट में, तो वो घर पे टिकता भी बहुत कम था, तो उससे पहले की यादें फारहान के साथ बहुत कम है मेरी, मेहरान के साथ बहुत सारी हैं, क्योंकि मेहरान और मेरा एक क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग एक लिंक था, क्रिकेट में वो भी दीवाना मैं भी दीवाना, हम लोग दोपहरों को जिस तरह 45 डिग्रीज में खड़े होकर खेल रहे होते हैं, हम लोग उस तरह की चीज़ें बहुत करते थे, और उससे उसकी पर्सनालिटी ने मुझ पर बहुत असर भी छोड़ा। लाहौर में ही पैदा हुए? नहीं, फारहान अमरीका में पैदा हुआ। अच्छा। वो लॉस एंजलिस में पैदा हुआ था जब मेरे बाबा पढ़ने गए थे, हम दोनों यहाँ पर पैदा हुए थे। मेहरान पैदा हुआ था 1965 वॉर के दौरान 8 सितंबर को, क्योंकि 6 को शुरू हुई थी, और मैं खैर सबसे छोटा था, और मेहरान से भी मेरा 7 साल का गैप है, लेकिन उससे एक बॉन्ड बहुत पक्का था, क्योंकि फारहान कम होता था ना, इसलिए टाइम ज़्यादा मेहरान के साथ मिलता था, और मेहरान ने एक बहुत बड़ा जो असर मुझ पर छोड़ा ना, वो ये कि वो मुझे बचपन में कह रहा था कि मैं तुम्हारा ना गुस्सा सारा निकलवा दूँगा। अच्छा, कई दफ़ा कहता था, और मुझे लगता था कि क्या मैं इस बात पर उसे डांटता भी था, मारता भी था। आई हैव बीटन माई ब्रदर लाइक एनी थिंग, मुक्के, ठुड्डे, थप्पड़, बैट, हर चीज़ के साथ। तो क्यों था ये इतना गुस्सा? I don't know, पता नहीं। और वाकई मेरा सारा गुस्सा निकल ही गया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह का एक वाइल्ड आदमी हूँ ना, मैं 6-7 साल का बच्चा, उसके तौर पे सारा कुछ हो रहा था, ये नहीं कि मैं कोई बड़ा होकर उसे डशकरा होकर मारता था। तो सर कि तुम हिट करो मुझे पेशेंटली, ही मार खाता था बहुत सारी मार खाता था। अच्छा, मार भी खाता? मैं उसको, मुझे याद है, लिटा के, आई यूज्ड टू कॉल इट उछलन उछलाई, और मैं बेड पे खड़ा होकर जिस तरह रेस्टलेस नहीं मारते छलांगे, उस तरह छलांगे मारता था, एंड ही वुड लाइक वो काम लिया लेटा है बेचारा, वो इतना स्वीट। और वाकई मुझे लगा कि निकल गया है, और मुझे कब एहसास हुआ कि गुस्सा निकल गया है, जब मेहरान अमेरिका शिफ्ट हो गया ना पढ़ने के लिए, गया वो, आई वॉज 10 एट दैट टाइम, और वो एक बड़ा, वो भी एक, उसने भी एक, एक मेरी मैं पर्सनैलिटी पे असर छोड़ा उसके जाने ने भी। आई वॉज 10 एट दैट टाइम, एक तो अकेला रह गया घर में, अम्मी अब्बा नानी जिनको बीवी कहता था मैं, और मैं, और अम्मी अब्बा दे वर वर्किंग पीपल, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम अलोन एट होम, तो मैं होम अलोन टाइप बच्चा रहा ज़्यादातर, लेकिन मैं कभी बोर नहीं हुआ, बोरियत का मुझे आज तक ना, आई डोंट नो उस वक्त शायद सीखा या क्या था, मुझे बोरियत का कॉन्सेप्ट नहीं आया। मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गए थे? अच्छा, आ गए थे। मैं पैदाइश से आज तक 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही रहा हूँ। तो ये जो अब घर है मॉडल टाउन बी ब्लॉक में, उससे पहले कहाँ था? उससे पहले हम लोग डी ब्लॉक में थे, उससे पहले भी डी ब्लॉक के एक और नंबर में थे, इस तरह हम लोग मॉडल टाउन में ट्रैवल करते रहे। तो सो यू न्यू एवरीबॉडी इन मॉडल टाउन दैट? ओह यस, एवरीबॉडी एंड लॉट ऑफ पीपल नो मी आल्सो, क्योंकि जाहिर रही यहाँ पे हूँ मैं, तो स्कूलिंग भी मेरी यहीं पे हुई है, मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूँ, एक मिडिल क्लास का एक स्कूल है वो, और वो उसकी खूबसूरती है कि आप ना एचएसएन टाइप हो के वो एक स्नूटी टाइप उसमें आ जाते हैं ब्रैकेट में, इसमें आप एक मिडिल क्लास के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आप बहुत कुछ मेरा ख्याल अच्छा लर्न करते हैं, आप ज़्यादा रियल रहते हैं। तो मैं इस तरह, मुझे बोरियत का कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि बोरियत का कॉन्सेप्ट मुझे डिवेलप ही नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, और ये उस टाइम पर मैंने, मेरा ख्याल में वो सोल्यूशन था टू लोनलीनेस, टू गेट बिजी। फिर क्या क्या करते थे? बड़ी चीज़ें करता था मैं, अकेला क्रिकेट खेलता था, उस समय हवाई क्रिकेट खेलता था मैं, लिटरली घंटों पैड्स वगैरह पहन के, बैट पकड़ के, ग्लव्स पहन के, टोपियाँ शोपियाँ, हेलमेट पहन के मैं खड़ा हूँ, एक ख्याली मैच खेल रहा हूँ मैं, रन्स भी ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर कोई हमसाया उधर से देख रहा हो, क्योंकि पागल है ये बच्चा। अच्छा, मतलब बाकी अकेला वो खेल रहा है। किसी को बनाया हुआ था ख्याली साथी? कोई कैरेक्टर था जो बॉलिंग करता था? और बड़े कैरेक्टर्स थे, मुझे माइकल होल्डिंग ने भी बॉलिंग की है, मुझे इमरान खान ने भी बॉलिंग की है, मुझे बड़े लोगों ने बॉलिंग की। बच्चों की इमेजिनेशन इज अमेजिंग, यू नो, ये तो कहते हैं कि झूठ नहीं होता। हाँ, नहीं, बच्चे की इमेजिनेशन, उसमें आप बिलीव कर रहे होते हैं, और वही उसका मजा होता है कि आप जिस तरह आप एक्टिंग में एक जोन में जाते हैं ना,
अब तो हम एज प्रोफेशनल एक्टर्स हम जाते हैं उस जोन में इंटेंशनली, कुछ स्किल थोड़ी बहुत सीख के उससे तो आप चले जाते हैं। वैसे उस ख्याली शख्स को डांट भी पड़ती होगी कि क्या किया ये, ये क्या गेंद की, है ना। नहीं, वो बड़े होते थे कि मतलब उसने अगर बाउंसर किया तो ये करके मैं उसे एक लुक भी कराइए कि अच्छा मतलब ठीक है अगली पे पकड़ता हूँ। उससे एक भी चीज़ ना वो पूरी चलती थी, एक पूरा एक इमेजिनेशन में। So you started acting at a very young age. I did. अगर उस हिसाब से देखें। Oh yes. हाँ, necessity थी। बोरियत भी तो मारनी थी। और उसके अलावा क्रिकेट के अलावा और क्या करता था? दुक्का चौका, अगेन क्रिकेट की एक गेम थी वो, जो आप बुक क्रिकेट आप यूं खेलें, लास्ट जो नंबर आएगा जो वो डिजिट है वो आपने स्कोर किया है, तो अगर वो जीरो आ गया तो आप आउट है। तो ये मैं बहुत खेलता था और भाई के साथ भी बहुत खेलता था। क्रिकेट का मैं दीवाना था। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ क्लब, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। स्कूल में बहुत सारी क्रिकेट शुरू कर दी। दैट केप्ट मी वेरी बिजी एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं आप, वो बाद में पता चलते हैं आप क्या सीख रहे हैं। उससे तो एक किक होती है और वो अलावा अकेले खेलने के वो चस्का जो था वो दूसरों के साथ खेल के पूरा होना शुरू हो गया। खिलौने कम थे लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ थी कि घर वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना। किताबें पढ़ते थे? किताबें पढ़ता था, बिल्कुल पढ़ता था। बहुत ज़्यादा बुक का कीड़ा नहीं था लेकिन पढ़ता था क्योंकि वो घर में इतनी सारी वो थी। कॉमिक्स नहीं, मैंने तिलिस्म होशरुबा टाइप चीज़ें उस स्टेज में बहुत वो पढ़नी शुरू की, वो बड़ी मज़ेदार थी। और अगेन इतनी इमेजिनेशन उसमें इतनी ज़बरदस्त है, क्या हैरी पॉटर होगा जो वो थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर वो इमरान सीरीज टाइप चीज़ें भी उस वक्त बचपन में काफ़ी पढ़ता था। So that kept me busy. और नानी के साथ क्या रिलेशनशिप था? नानी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। नानी मेरी उनके साथ मैं हर रोज़ शाम को बाकायदगी से, नानी की आदत थी कि वो लिबर्टी का जो यू है ना उसमें वो शुरू से शिजान से शुरू होकर वैरायटी बुक्स तक वो वॉक करती थी एवरी इवनिंग। सो आई यूज़ टू गो देयर और वो एक बड़ी एक रेबल किस्म की खातून थी। बिल्कुल देखने में भी आपको अगर उनकी याद हो, she used to wear a lot of makeup, she used to wear a wig, she used to have these two chans hanging out from hair, और मुझे ऐसे भी दो निकले होते थे। और as a kid मुझे embarrassment भी होती थी कई दफ़ा कि इन्हें इतना over makeup किया हुआ है, people are looking at her and that kind of a thing. लेकिन मुझे वो चीज़ ख़त्म हो गई जब एक दफ़ा हम लोग कहीं कराची ना ट्रेन पे जाने लगे थे, तो बीबी बैठी ही थी साथ, हम लोग आमने सामने बैठे थे, तो एक बच्चा बच्ची थे वो बहुत देखे ना उन्हें हंस रहे थे। अच्छा, और मुझे बड़ी चिड़ भी चढ़ रही थी ना, आई डिडंट नो हाउ टू काइंड ऑफ टैकल दिस, कि अब मारूँ उन्हें उठा के, भाई हाउ डेयर यू लाफ एट माई ग्रैंड मदर। तो मेरी नानी ने ना उन्हें यूँ करके उन्हें देखना शुरू किया बच्चों को। अच्छा, वो बच्चे पहले वो हंसते रहे, फिर वो कुछ वो हंसी ख़त्म हुई और फिर उन्हें इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने बीबी से पूछा था क्या कर रही हैं, कहती हैं हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, कहती हैं जो मैं हूँ मैं जैसी लग रही हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरा देखता है हाँ देख ले, अगर देखना तो मुझे देखे, मुझे कनेक्ट करें, मुझ पर हंस क्यों रहा है, मुझसे बात करें, पूछे मुझे, बात तो वाकई सही कर रही। सो आई थॉट के हाँ सही है, यस आई डिड और मुझे लगा कि वो बिहाइंड दोज लेयर्स वो एक रियल इंसान तो है ना जो सॉलिड है अंदर से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हुआ था एंड शी वॉज प्राउड ऑफ दैट। एंड वो बड़ी मज़ेदार, तो उनके साथ टाइम बहुत सारा स्पेंड होता था, कैरम बोर्ड बहुत खेलते थे उनके साथ। पहली किताब उन्होंने कौन सी दी थी कि ये पढ़ो? उन्होंने मुझे आज तक कोई किताब नहीं दी, अपनी भी कोई किताब नहीं दी, कभी भी नहीं, कोई नॉवल अपना नहीं, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं। वो मुझे ये याद है बैठ के लिखनी थी, एक अमलतास का पेड़ था डी ब्लॉक के एक घर में, वो येलो सा हो जाता है और बड़ी खूबसूरती उसकी होती है, उसके नीचे बैठ के उन्होंने एक किताब लिखी थी पागलखाना मेरे सामने होते हुए, जिस पे उन्हें सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज मिला था। वो वहाँ बैठ के लिखती थी रोज़ बाकायदगी से और अपने काम को मुझसे कभी डिस्कस नहीं करती थी। आई डोंट नो, इट वाज वेरी प्राइवेट फॉर हर। अच्छा। लेकिन कुछ ख्याली कैरेक्टर्स उन्हें बनाए हुए थे
जो कि बुक्स में कभी नहीं डाले हैं लेकिन हमसे वो डिस्कस करती थी। अच्छा। जिसमें एक लाल कुर्ती होता था। अच्छा। लाल कुर्ती कौन था? एक ऐसा आदमी था जो कि बीबी पे फिदा है, ठीक है, मर मिटा हुआ है, और वो लाल रंग का कुर्ता एक पहनता है एंड इज़ ऑलवेज अराउंड। और बीबी अगर हमें कहीं लेके जाएंगी, मिसाल के तौर पर उस वक्त अवंती वगैरह इस तरह के होते थे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे लेके जाएंगी तो कहीं थी कि बिल मैं तो नहीं पे करूँगी, कौन भला, लाल कुर्ती। वो हमेशा ना एक आदमी इर्द गिर्द होता था जो उनके बिल्स भी पे करता था, उन्हें पैम्पर भी करता था। आई डोंट नो, शायद मेरे नाना के जाने की वजह से एक कोई उन्हें पैम्परिंग चाहिए थी, जो एक ख्याली कैरेक्टर बन गया था। आप उसको डीपली भी देख सकते हो। डू यू रिमेंबर योर नाना? नहीं, ही वाज मर्डर्ड बिफोर आई वाज बोर्न, 2 साल पहले, सो आई हैव नो मेमोरीज ऑफ हिम। लेकिन बीबी की बहुत सारी मेमोरीज रहीं। फिर बीबी के साथ मैंने फिर बीबी ने जिंदा भी तो उन्हें रखा होगा ना, उनका जिक्र करती होंगी। वो रोज़ डायरी लिखती थी और वो कभी कभी मैं देखता था, और वो हमेशा वो डायरी शुरू होती थी कि आज मेरे टी को गए इतने साल, इतने महीने, इतने दिन हो गए, जिससे मुझे बचपन में भी लगता था कि यार ये कितनी अटैच नहीं है उनसे। मैं तो नहीं देखा उन्हें, मैंने उनका काम पढ़ा हुआ है, उनका काम एक्ट आउट किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है अपने नाना का, लेकिन असल में तो मैं नहीं मिला। तो मुझे ये चीज़ उन्हें लगती थी कि ये कितनी अटैच है उनसे। फिर वो लाल कुर्ती कैसे, वो चुपके से आके, खुद चुपके से आके पे करके निकल जाता था। हमें पता भी नहीं चलता था। हम लोग कुछ खरीदने गए, कोई चीज़ अगर बीबी खरीद के दे रही हैं हमें, मिसाल के तौर पर ने ड्राई फ्रूट्स बड़े पसंद थे, या हम लोग लिबर्टी के पीछे वो जो पप्पू बर्गर है वो खाने बहुत रेगुलरली जाते थे। आमतौर पर जो यू में जो वॉक होती थी ना, इट यूज़ टू एंड विद पप्पू बर्गर एट वो लिबर्टी सिनेमा के साथ, तो वो हम खाया करते थे। और उसमें बीबी की ज़्यादातर बातें मुझे यही याद है कि बड़ी साइकोलॉजिकल इंसान थी, और हमेशा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको देती थी। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ नेगेटिविटी उनमें आती गई, बट आई गेस दैट इज़ हाँ, फिर वो आप वो नहीं रहते ना, हाँ, वो ताकत जो आपको चाहिए है लिखने की, और हाँ कई दफ़ा बड़ी हॉरिबल बातें भी करती थी। यू आर एंग्री विद योरसेल्फ? ओह यस, बड़ी हॉरिबल बातें भी करती थी। कई दफ़ा कहती थी कि जितना ये स्विच है ना, कि अगर मैं इसमें उंगली डाल के फौत हो जाऊँ तो तुम्हें अफसोस होगा, और इस तरह की मॉर्बिड बातें भी करती थी। सो शी हैड दैट मॉर्बिड साइड टू हर आल्सो, एंड सो रोमांटिक। ओह यस, आप उनकी चीज़ें पढ़ें तो आपको समझ आती है कितनी रोमांटिक खातून है। हर चीज़ के कलर्स अलग हैं, हर चीज़ का कैरेक्टर एक अजीब ख्याली सा कैरेक्टर है, उसमें रियलिटी भी बहुत है। उसको ना बड़े वो रियल और एक काइंड ऑफ सुपर नेचुरल के बीच में लेके चलती थी, बट देर वॉज ग्रेट रोमांस इन हर राइटिंग्स। उन पर मैं कभी कुछ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आई रियली वॉन्ट टू मेक समथिंग ऑन हर। दो चीज़ें चाहता हूँ, एक तो उनकी राइटिंग्स पर कुछ बनाना चाहता हूँ, एक उनकी लाइफ पर बनाना चाहता हूँ। देखिए, एक ऐसी औरत जो कि 1914 में पैदा हुई, जब जाहिर है ख़वातीन इतना ज़्यादा सामने नहीं आती थी, हम लोग जानते ही हैं, खासतौर के मुसलमान। बिल्कुल, उसमें 11 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। शी बिकेम अ नॉवलिस्ट, शी बिकेम अ पायलट, उनकी पार्टीशन एक्सपीरियंस किया, उसके बहुत सारे वाक़यात जो उन्होंने देखे, देन एक्सपीरियंसिंग हर हस्बैंड्स मर्डर, और उसके बाद की ज़िंदगी। तो उनकी एक ज़िंदगी की जर्नी बहुत ड्रामेटिक भी है और बहुत इंस्पायरिंग भी है। ताज साहब के मर्डर के बाद उनमें क्या, उनकी लिखाई में फ़र्क आया था? थोड़ा सा आया था कुछ, बिल्कुल। उन्हें मेरे ख्याल में ये ज़रूर लगना शुरू हो गया था कि दुनिया जा कहाँ रही है। इसीलिए उनने वो पागलखाना नामी बुक लिखी थी, जो विच वॉज अ साइंस फिक्शन बुक एक्चुअली, जो उनके ही कैरेक्टर्स, जो उनके स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, उनको वो साइंस फिक्शन की उसमें कुछ ले गई थी जॉनरा में। लेकिन बेसिक उसका मुद्दा यही था उस कहानी का कि हो क्या रहा है, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो शी वाज बी शेकन आउट ऑफ हर, आउट ऑफ हर, जैसे कहते हैं ना, उस दुनिया में जहां सब कुछ खूबसूरत था, बिल्कुल पहली दफा उन्होंने अग्लीनेस देखी, और वो भी इतनी ज्यादा, और इतनी पर्सनल, इतनी पर्सनल है ना। सो किस तरह असर किया उन्होंने अली, उस 8 साल, 10 साल, 12 साल के अली के ऊपर? किस तरह क्या कहती थी कि किस तरह जिया जाए और क्या मत करना और क्या करना? और बीबी अनु, देखिए हमारे घर में मैंने देखा है कि
नसीहत बहुत कम की गई है. मोस्टली लोगों ने करके दिखाई हैं चीज़ें. और जिस तरह पढ़ने में भी आता है कि सबसे इफ़ेक्टिव तरीका वो होता है, तो मुझे बीबी से जो वैसे सीखने में चीज़ें मिली वो मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी कोई तलकीन मुझे उस हिसाब से याद नहीं है कि उन्होंने की हो. लेकिन मुझे उनसे एक तो ये समझ आया कि आपको अपने में फेथ होना चाहिए. फिर आपका जो भी जेंडर है, जो भी आपका आपकी लुक्स हैं, वो मैटर नहीं करती हैं. फिर आप कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंच सकते हैं. ये चीज़ मैंने उनसे मेरा ख्याल है सीखी है. फिर एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो मौत को एक्सेप्ट करना है. मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अरसे पहले से, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना इसमें उंगली डाल के वो खुदा वास्ता वो कर लेती हैं खुदकुशी, वो मौत को बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने पे काइंड ऑफ तारी कर रही थी. गेटिंग रेडी फॉर. हाँ, इसलिए व्हेन शी पास्ड अवे आई थिंक शी वाज वेरी पीसफुल एंड शी वाज ब्लेस्ड कि वो इस तरह गई. तो मुझे लगा कि वो एक चीज़ अच्छी है, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए. और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर वो बहुत आगे तक सोच लेती होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. कि उन्होंने जो ये सोचा कि अगर मैं अपनी उंगलियाँ ये शौक ले लूं और मैं ना बचूं, बिल्कुल, तो फिर दैट मींस मेरी डेथ इस तरह होगी. उनको उनको डेथ को वो एक्सेप्ट करती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता इन लेयर्स. मौत मौत से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्पिरिचुअल. बिल्कुल बिल्कुल. स्पिरिचुअलिटी. मुझे ये जरूर लगता है कि हमें मौत को ना एक्सेप्ट करना चाहिए ना, आदत होनी चाहिए उसकी पहले से. किस वक्त आए ये तो नहीं पता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए. देयर इज सो मच यू कैन डू टू प्रिपेयर फॉर दैट. उसमें आपकी अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने इर्द गिर्द के लिए चीज़ें बेहतर करना, अपने बाद के लिए चीज़ें बेहतर करना. सारी बातें एज अ टीनेजर पता थी अली को? पता थी? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल डोडो किस्म का बच्चा था. As a teenager. हाँ, नहीं, I was very serious kind of a kid. अच्छा. कोई pet था जिसके जो कोई? हाँ, pets तो हमेशा थे. We were animal lovers. कोई खिलौना? हाँ, खिलौने भी थे. बैट बॉल तो सबसे बड़ा खिलौना थे ही, लेकिन लेगो से बहुत खेलता था. अच्छा. I loved it. चीजें बनाना, तोड़ना वगैरह, वो चीज़ बहुत उसका बहुत शौक था. रूबिक्स क्यूब्स. घर का कोई रेडियो ख़राब किया था तो सी के ये? हाँ, खोले बंद किए टाइप, उस तरह की उस स्टूपिड हरकतें करके देखी और फिर बंद ना कर सका. इसलिए शुक्र एक टाइम पे इंजीनियर बनना चाह रहा था, वो नहीं किया क्योंकि रेडियो नहीं ना बंद कर सका था मैं. अगर बंद कर लेता तो शायद मुझमें पोटेंशियल होता, तो वो नहीं कर सका था मैं. इसलिए खिलौने कम थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ थी कि घर वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना. फिर स्कूल में मैंने देखा कि एक टाइम आया, कुछ टीचर ऐसे मिले जिनसे मुझे लगा, क्योंकि पढ़ाई में मैं ना एक टाइम पे बहुत नीचे जाना शुरू हो गया था जब क्रिकेट में ज़्यादा आ गया. हाँ. तो टाइम भी कम मिलता था, उसमें मज़ा भी बहुत आता था. पढ़ाई वैसे भी एक बहुत ही बोरिंग चीज़ लगती थी, ऊपर से एक मिडिल क्लास स्कूल में होने के नुकसान ये भी होते हैं कि आपको मारे वगैरह पिटती हैं और धड़ाधड़ किस्म की चपेड़ें वगैरह भी आपको पड़ती हैं, आपको बालों से पकड़ के खींचा भी जाता है, वो सारा कुछ होता था. तो क्रिकेट बिकेम अ ह्यूज टॉय इन दैट सेंस. तो वो मेरा तो यकीन था एक टाइम पे कि क्रिकेट में ही जाऊँगा. एक्चुअली मेरे लिए ये क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह उस वक्त कुछ मानी नहीं रखती थी, या ज़िंदगी में कुछ जो सबक सीखना वगैरह कुछ वो मेरे जहन में था, सिर्फ क्रिकेटर बनना था मैंने. और मैं अंडर 19 तक पहुंच गया था लाहौर डिवीज़न की. मैंने अंडर 16 भी क्लियर की, स्कूल का कैप्टन बन गया मैं. 3 साल कैप्टन रहा मैं, जो कि उस वक्त आमतौर पे 1 साल रहा करते थे. 3 साल कैप्टन रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, वहाँ पर भी क्रिकेट खेलता रहा. पढ़ाई में कभी कोई ख़ास मेरा ऑनेस्टली इतना इंटरेस्ट था नहीं, ओनली इफ़ आई गॉट अ गुड टीचर. और आई डिड गेट अ कपल ऑफ वेरी गुड टीचर्स, जिनकी वजह से आई थिंक आई गॉट सम कॉन्फिडेंस इन मी. आई वॉज कॉलेज में क्या पढ़ा? मैंने कॉलेज में पहले डबल मैथ्स और स्टैट्स में मैंने BSc की, उससे पहले FSc की थी. मेरा इरादा था प्री इंजीनियरिंग में चले जाने. अच्छा. इंजीनियरिंग में जाने का. अच्छा. इतने नंबर नहीं आए, रेडियो नहीं बंद कर सका. अच्छा. था तो उस साइड पे पोटेंशियल था नहीं इतना मेरा.
بی ایس سی بھی اسی لائن میں کچھ بڑی سیریس سی لائن میں ڈبل میتھس اور اسٹیٹس میں کی بیکاز آئی واز گڈ ان میتھس تھینکس ٹو دیٹ ٹیچر اس نے میرا میتھس میں نا آج بھی مجھے نمبر میں انٹرسٹ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نمبر کی نا آئی نو ذہن میں ٹک جاتی ہیں لائک لائٹ ٹریولز ایٹ 1299792458 میٹرز پر سیکنڈ یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے تو اس طرح نمبرس پھنس جاتے ہیں اور گوگل بھی کر کے اگر دیکھ لیں تو واقعی یہی آنسر آئے گا اس کا تو نمبرز میرے ذہن میں ہمیشہ رہتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ وین آئی واز 7 ایئرز اولڈ ہم لوگ نیو یارک میں تھے اور امی ابا سے ان کے پاسپورٹس گم گئے تھے اینڈ دیر واز نو وے ٹو ٹریس آؤٹ کہ بھی پاسپورٹس کیسے ری ایشو کرائیں اس کے لیے نمبر ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتا ہے سو آئی ریممبر کہ اٹ واز AH1080204 AH1080205 and 26 آلسو تو وہ پھر وہ پاسپورٹس ایشو ہو گئے تھے تو نمبرس کا مجھ میں ایک تھا ایک آئی ڈونٹ نو آئی ہیڈ اے لائکنگ فار نمبرس تو اس لیے میتھس وغیرہ کچھ پڑھتا رہا میں ڈبل میتھس اسٹارٹس کرنے کے بعد نا پھر آئی ڈڈ مائی ایم بی اے ان فائنینس آئی تھاٹ کہ میں ایم بی اے کروں گا اور کہیں آئی ڈونٹ نو بینکر بن جاؤں گا یا کوئی اس طرح کی چیز کروں گا ابھی تک ایکٹنگ کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا مجھے شوق تھوڑا ہونا شروع ہوا تھا کالج میں ایک ٹائم پہ آ کے جب ابا نے پہلا پلے میرا ڈائریکٹ کیا تھا تو یہ میں نے پڑھا پیچھے اور اس کے بعد برکلے بھی گیا وہاں بھی جا کے میں نے ایک ڈپلوما کیا اگین ان فائنینس نتھنگ پرسو کیا فائنینس اور بالکل کیا میں ایک بینک میں بھی 5 سال کام کرتا ہوں بٹ دین اٹ گاٹ لٹل ٹو مچ آئی واز آنیسٹلی ناٹ دیٹ مچ انٹرسٹیڈ نمبرس کہ میں ساری زندگی چیزیں کیلکولیٹ کرتا رہوں اور بینک بیلنسز کیلکولیٹ کرتا رہوں اور لونس ڈٹرمن کرتا رہا ہوں کہ دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے اٹ واز گیٹنگ ٹو بورنگ آلسو اچھا اور یہ چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی 5 سال میں نے جب بینکنگ کی اس کے بعد میں پتا چلا یہ پہلے دن ہی پتا چل گیا تھا کہ او گاڈ کہاں آ گیا ہوں میں یہ تو پھنس گیا اور اس وقت کیونکہ شادی وادی ہو چکی تھی تو اٹ واز گڈ کہ ایک جاب بھی کرتے رہو نا لیکن آئی واز گیٹنگ ایکٹنگ ورک بائی دین مجھے یہ 99-98 کی بات بتا رہا ہوں اس لائک آئی واز گیٹنگ ایکٹنگ جابس پیپل ور لائکنگ مائی ورک آلسو آئی واز گیٹنگ ٹو ورک وتھ سم گڈ ڈائریکٹرس آلسو تو آپ اور اس میں ایک شوق کہیں نہ کہیں پیدا ہو تو رہا تھا مجھے یاد ہے جب پہلا پلے میرا ذرا نوٹس ہوا تھا نا میں گیا ہوا تھا ادھر ایک پلے تھا انہیں بانو کچیا کا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور راشد ڈار نے ڈائریکٹ کیا تھا پی ٹی وی کے ہوتے نا راشد ڈار اندھیرا اجالا وغیرہ بھی انہیں ڈائریکٹ کیا ہوا ہے دو ایپیسوڈس کا ایک پلے تھا وہ ایئر ہوا اور میں گیا ادھر فورٹریس اسٹیڈیم کسی کام سے اور ایک بندے نے مجھے یوں ٹیپ کیا اس نے کہا کہ آپ اس پلے میں تھے نا جو کل چلا ہے اور مجھے لگا کہ آنیسٹلی کیونکہ میں نہیں اس لیے نہیں کیا تھا میں نے کہ میں کوئی پہچانا جاؤں دیکھیں کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں جو اس لیے کام کرتے ہیں کہ پہچانے جائیں بل بورڈس میں ان کی بڑی بڑی تصویریں ہوں ہر جگہ پہ ان کے میگزینس میں انٹرویوز چھپ رہے ہوں یہ ہو رہا ہو رہا میں نے کبھی اس لیے ایکٹ نہیں کیا اور میرے لیے یہ ایک چیز واقعی سرپرائزنگ تھی کہ اچھا وہ پہچانے بھی جاتے ہیں لوگ آ کے آپ سے یہ بھی کہتے ہیں تو اس دن سے تھوڑا سا مجھے لگا کہ یار دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ کیونکہ آئی واز اے ویری کوائٹ کڈ میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے تھرو آؤٹ مائی ایجوکیشنل کریئر آئی نیور آسکڈ اے سنگل کوسچن ٹو اینی آف مائی ٹیچرز آئی تھنک جو کہ بڑی بری بات ہے ایکچولی پوچھنا چاہیے بٹ آئی نو آئی واز اے ویری 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 شائے کڈ مجھے کھڑے ہو کے پوچھنا نا امی ابو سے بھی نہیں نہیں ناٹ ریلی میں چپکے سے کھانا کھایا اور چلے گئے کمرے میں ہاں میں چیزیں کچھ خود ورک آؤٹ کرتا تھا کوشش کرتا تھا خود ورک آؤٹ کروں اس کے فائدے اور نقصان اگین ہوتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا کسی بھی ٹیچر سے نہیں ڈائری اتنی باقاعدگی نہیں تھی لکھنے میں شروع کی کئی دفعہ جب اکیلا ہوتا تھا نا تو بچپن میں یہ کرتا تھا کہ کچھ لکھنی شروع کی جب کسی دن کوئی بہت وہ دکھی ہو گئے یا کسی دن زیادہ ہی آپ کو لگا کہ آج میں نے 98 ناٹ آؤٹ کیا ہے اور ٹیم جیت گئی اور نو سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ تو وہ کبھی کبھی لکھتا تھا خط بہت باقاعدگی سے لکھتا تھا کیونکہ میرے بھائی امریکہ میں تھے تو میں ایوری ڈے آئی یوز ٹو رائٹ این ایروگرام ٹو دیم وہ دوسرا ہوتا تھا ہے نا وہ بڑا مزہ آتا تھا اس کے سائڈ دوسری آپ ٹرن کر کے کچھ لکھتے تھے
तो उसका एक बड़ा रोमांस भी था एक्चुअली लेटर राइटिंग का, तो वो मैं ज़रूर लिखा करता था बाकायदगी से। तो एक इस तरह का एक रिदम बन गया था कि भाई मुझे रोज़ लिखते थे तो मुझे भी रोज़ मिलते थे खत, उनको भी रोज़ जाते थे, वो कुछ दिन बाद के गैप से जाते थे ज़ाहिर है। तो आज जो वाक़या हुआ वो भेज दिया, 3 हफ्ते बाद उसका जवाब आ गया। तो एक अजीब सा एक ऑकवर्ड सा रिदम इमोशनल कनेक्शन का चलता था, तो वो लिखा करता था ज़रूर। सिर्फ एक दफ़ा अब्बा ने मारा था, वो भी मुझे नाउ आई थिंक ऑफ इट तो काफ़ी स्टूपिड सी हरकत कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा, कभी भी नहीं, डांटा भी बहुत कम। अम्मी अबू से कैसा रिलेशनशिप था? अम्मी अब्बा एज अ किड एज अ टीनेजर, अब्बा से मेरी ना एक नेचुरल अटैचमेंट बहुत थी एज अ किड। अच्छा। मुझे याद है कि जब मैं ज़्यादा छोटा होता था तो मैं अगर नींद आ रही हो ना और मेहमान आए हुए मिसाल के तौर पर इसमें ड्राइंग रूम में बैठे हुए जो कि हमेशा जो कि काफ़ी आते भी थे, बहुत ज़्यादा आते थे, तो मैं जाके अब्बा की गोद में बैठ जाता था कि नींद आ रही है, तो मैं आई वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ बाबाज बॉय इन दैट सेंस। अम्मी के साथ इस तरह की चीज़ें ज़रा कम करता था मैं। अच्छा। लेकिन अम्मी घर पे बहुत ज़्यादा होती थी और अम्मी ने मुझमें कुछ प्रोफेशनल चीज़ें मैंने अम्मी से मैंने पिक की, कुछ एथिकल चीज़ें अम्मी से पिक की क्योंकि अम्मी इज़ अ वेरी एथिकल पर्सन, बहुत ही एथिकल इंसान है, कुछ अब्बा से भी पिक की। तो अब्बा से ये भी होता था, मुझे याद है कि अब्बा को फ़ोन करके मैं कहता था जो अम्मी अब्बा कही था मुझे कोट भी करते हैं आज तक, मैं फ़ोन करके कहता था कि अब्बा अब्बा मैं लोला था कि रो रहा था मैं, हाँ। तो आ जाएँ, तो अब्बा इनवेरेबली आ भी जाया करते थे, तो यू विड कम स्पेंड टाइम विथ मी। इन लोगों ने मुझे कभी मारा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा अब्बा ने मारा था, वो भी मुझे नाउ आई थिंक ऑफ इट तो काफ़ी स्टूपिड सी हरकत कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा, कभी भी नहीं, डांटा भी बहुत कम, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ बहुत ही बुरी समझी जाती थी कि आप हाथ उठाएं किसी पे, क्योंकि देखिए सिविलाइज लोग हैं हम लोग, ज़रूरत नहीं है हमें इस लेवल पर आ जाने की कि हम लोग मारपीट पर उतर आए, जो कि स्कूल में बहुत होता था, इसलिए स्कूल में ये लोग बहुत डिफेंड भी करते थे अम्मी अब्बा मुझे, जाके प्रिंसिपल से भी मिलते थे अगर मुझे मार पीटी है, आई वुड गो टेल देम कि मार पीटी है आज, तो दे वुड ऑलवेज गो एंड टॉक टू द प्रिंसिपल। मुझे ट्रैवल बहुत कराया अम्मी अब्बा ने ख़ास तौर पे, क्योंकि अब्बा एट दैट टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ही हैड बिकम अ बिजनेसमैन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे कारपेट्स की, एंड ही यूज़ टू टेक मी विथ हिम और यूरोप और आई डोंट नो एशिया और बहुत सारी जगहों पे ना, मैं 15-20 मुल्क में बिल्कुल 7-8 साल की उम्र में फिर चुका हुआ था, तो बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था उस वक्त। तो उसमें आप जब घूम फिर रहे होते हैं तो आप जाहिर है अगेन एक्सपोजर बहुत बढ़ता है आपका, चाहे आप छोटे भी हो ना, आपको कई चीज़ें आपको दूसरों को देख के सीखने को भी मिलती हैं, एक्साइटिंग भी मिलती हैं, मेमरीज भी मिलती हैं, तो उस तरह की मेमरीज अम्मी अब्बा के साथ बहुत क्रिएट हुई। अब्बा से फिर मेरा एक प्रोफेशनल सा रिलेशनशिप बनता चला गया आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि अब्बा ने ही मुझे शुरू भी कराया, मेरा पहला प्ले अब्बा ने ही डायरेक्ट भी किया, और मुझे याद है एक छोटा सा प्ले अब्बा ने सबसे पहले करवाया था टेलीविज़न के लिए, जिसमें मेरा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, ठीक है, और वो तौकीर नासिर थे, उसमें वो फोरग्राउंड में थे और मैं पीछे था, तो वो किसी वो कोई मशीन सी साफ़ कर रहा था, मैंने कोई प्रिंटिंग प्रेस में दिखाया था, और उसमें एक लाइन भी थी मेरी अच्छा जी करके, तो अब्बा ने कहा था ये ज़रूर करना, और मुझे लग रहा था कि क्या अब्बा ने जी फजूल सी मेरी चीज़ पर लगा दी है कि मैं अच्छा जी करने में जा रहा हूँ वगैरह, वो फिर बाद में पता चला कि अब्बा ये चाह रहे थे कि मैं सेंसिटाइज हूँ इस पूरे प्रोसेस से, माहौल से, आपको बेहतर है कि आप छोटे से स्टार्ट करें, एंड दैट वाज राइट आल्सो। इसलिए मैंने फिर उसके बाद से जो भी काम किया ना, चाहे मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ चाहे एज ए डायरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश की कि उसमें सबसे छोटे लेवल से मैं ज़रूर स्टार्ट करूँ, या कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझ के मैं चलूँ। तो अब्बा मुझे इस फील्ड की तरफ ले कर भी आए प्रोफेशनली, कई चीज़ें मुझे लाइक पहला थिएटर प्ले अब्बा ने करवाया,
پہلی دفعہ ایز این ایکٹر اینڈ دیٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. میں آخر میں ایکٹنگ اگر کبھی واقعی تھوک کے حساب سے سیکھنے کا موقع ملا تو وہ اس پلے پرٹیکولر پلے میں ملا مجھے. یہ کون سا پلے تھا؟ دس واز این اڈیپٹیشن آف جے وی پریسلیز اینڈ انسپیکٹر کالز. اچھا. اور اس کو مجرم کون کے نام سے اردو میں کیا تھا, اظہار کاظمی نے اڈیپٹ کیا ہوا تھا. بہت ہی اچھا اڈیپٹ کیا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت دکھا پلے. اس میں میں ایکٹ کر رہا تھا اور وہ لیڈ رول تھا اور لوگوں کو بڑا اعتراض بھی تھا اس وقت کہ دیکھو باپ نے اپنے بیٹے کو لیڈ رول میں لے لیا ہے وغیرہ. بٹ ہی ہیڈ آڈیشن می اور ٹو بی آنیسٹ میں اس وقت جو آڈیشنز اس وقت ہو رہی تھیں ان میں بہتر تھا ٹو بی آنیسٹ. بہت برے برے لوگ بھی تھے, کچھ تو بدماش بھی آئے تھے. مطلب یہاں تک ہو گئی تھی کہ ریڈنگ نہیں ہوگی آج, سب لوگ باہر چلے ہال سے. ٹھیک ہے. اور ایک بدماش آ کے بیٹھ گئے کہ پتہ چلا ہے کہ نعیم طاہر ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس میں لیڈ رول دیا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کیسے ہوگا یہ. اب وہ جس طرح کالج کی چیزیں ہوتی ہیں اور سب لوگ گھبرا کے نا, انکلوڈنگ دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں وہاں پہنچا اور اس سے بھی ریڈنگس تھیں شروع شروع کی. تو ابا آئے اور ابا کو بتایا ایچ او ڈی نے جا کے بھاگ کے کہ جو اس طرح ہوا ہے اور آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ چلے جائیں, ابھی میں اسے کول ڈاؤن کر لوں گا. اور یہ اور اس وقت بدماش جو ہوتے تھے وہ, کیونکہ ضیاء کا دور ابھی ختم ہوا ہی تھا کچھ عرصہ پہلے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کافی ایک وائلنٹ سا دور تھا اور پیپل کوڈ کل آلسو. بڑے آرام سے مار مور بھی دیا کرتے تھے کالجز میں. تو ابا بڑے آرام سے, ابا نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں, کون ہے, کیا مسئلہ ہے, پوچھتا ہوں. ابا بڑے چل طریقے سے اس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیا چاہ رہے ہو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جی سنا ہے کہ آپ کا بیٹا اس میں ایکٹ کر رہا ہے اور مین کیریکٹر کر رہا ہے اور میں نہیں ہونے دوں گا اور وہ کیریکٹر میں کروں گا. تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح, تم کر لو. لیکن بچے میں کافی 20-25 سال سے کام کر رہا ہوں, تو میرا ایک پروسیجر ہوتا ہے, میں آڈیشن لیتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے, تو آڈیشن تم دے لو, تم اچھا کرو گے تو تم ہی کرو ضرور. اور ہم لوگ سارے وہیں پہ تھے اور کہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں لڑکے لڑکیاں مختلف عمر کے, ٹیچرز بھی ظاہر ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے. تو اس نے کہا اچھا. تو اس نے, ابا نے کہا کہ ذرا لائیے گا اسکرپٹ. ابا نے اسے دیا کہ بیٹا یہ والا تم نا پڑھ کے مجھے سنا دو, تم 5 منٹ ایک دفعہ پڑھ لو پھر مجھے سنانا. اچھا. اس نے خیر 5 منٹ پڑھ لیا اور اس نے پھر سنایا, اور اس نے میرے آخر میں مونولوگ سا تھا وہ اس نے پڑھنا شروع کیا. اور پرابلی 1-1.5 لائن کے بعد اس نے کہا سر میرے ساتھ باہر آتے ہیں. باہر گیا اور دی نیکسٹ تھنگ واز کہ ابا نے کہا کہ چلو بھائی پھر شروع کریں. وہ لڑکا جا چکا ہوا تھا اینڈ وی بگین دا ریڈنگ, ہی نیور کیم بیک. اور وہ بعد میں ہوا یہ تھا کہ اس نے خود کہا کہ سر میں یہ میرے پاس کا کام میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ نے جیسے کرنا ہے کر لیں, میں صرف مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا اپنا بیٹا کر رہا ہے تو مجھے لگا کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ تو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, آپ تو بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, آپ تو بڑے شفیق انسان ہیں. ہی گاٹ سو ہیلپ فل کہ اس نے ایونچولی پلے پرفارم ہوتے تک ہمیں ہیلپ کیا. بعد میں وہ ایک بہت بڑا بدماش بن گیا تھا, آئی وونٹ ٹیک ہز نیم, لیکن ہی واز فیئر انف اینڈ جسٹ انف کہ اس نے سوچا کہ یار یہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے. تو وہاں سے ایکٹنگ میری شروع ہوئی تھی. تو مجھے یہ اس دن یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک رسپانسبلٹی کا کام ہے, لوگ آپ کو جج کرتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ یہ تو نعیم طاہر کا بیٹا ہے اور یہ چیزیں نا, اس طرح کی چیزیں جس طرح پہلے پوچھ بھی رہی تھیں, وہ جج ہونے کی چیز وہاں سے آئی. اور ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی گھبرایا نہیں میں اس چیز سے. میں اگر گھبرایا تو اسٹیج فرائٹ ٹائپ چیزوں سے, جو ایک ٹپیکل ہر ایک ایکٹر کا ایک ہوتا ہی ہے ایک پروسیس جو آپ جس سے اوور کم کرتے ہیں, ان چیزوں سے گھبرایا. لیکن ان چیزوں سے نہیں گھبرایا کہ باپ کون اور یہ کون اور وہ کون. لیکن ایکٹنگ, لیکن اس انسٹنٹ سے تو سیکھا ہوگا نا کہ اگر تحمل سے اور پیار سے بات کی جائے تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. بالکل سیکھا. I think you learned that from your father. بالکل, جس طرح آپ ایڈوائس کا یا بات کرنے کا پوچھے نہیں کس نے کچھ بتایا. تو واقعی اب امی ابا اور میری نانی
वाकई ऐसे लोग हैं कि वो एग्जांपल से ही करते हैं। अब ये चीज़ ऐसी है कि जैसे आपने पूछा तो मुझे भी वो कई दफ़ा बहुत मुझे ख्याल आता है कि यार एज ए डायरेक्टर एक आदमी ने कितना अच्छा उस सिचुएशन को हैंडल किया है। अमेजिंग। और जब मैं डायरेक्शन में आया तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अजीब अजीब सिचुएशंस होती हैं हमेशा डायरेक्शन में। कब कब होता है कि बड़ा स्मूथली हो जाए सारा कुछ, बहुत कुछ बुरा होता है डायरेक्शन में, लेकिन उन चीज़ों को कूलली हैंडल करना और इन्वायरमेंट ना ख़राब करना अपने सेट का, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो जब अब्बा के साथ जब भी मैंने काम किया ना, वो मैंने देखा है, व्हेन इज़ एंग्री तो देर इज़ ओनली एंड ओनली अ प्रोफेशनल रीज़न जिसकी वजह से वो नाराज़ होंगे। इट्स नेवर पर्सनल। अगेन समथिंग टू लर्न कि आप काम जब कर रहे हो तो फिर काम को बेहतर करने के लिए आप ज़रूर कोशिश करो, लेकिन वो आपस के उन चक्रों में ना पड़ जाओगे, इसने ये किया उसने वो किया और उसको मैं यहाँ से कसता हूँ और यहाँ पे बॉसी हो जाता हूँ, और वो चीज़ें वो काम को ख़राब ही करती हैं। अगर आपका फोकस काम पे है तो फिर उधर ही फोकस रखो, इन चीज़ों पे ना रखो। उसने मुझसे बात की और उसने मुझे कहा कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो आई थॉट के ऑफकोर्स, मतलब हर चीज़ में हेल्प आपके लिए, तो ज़ाहिर जान भी हाजिर है। तो उसने कहा कि मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप इस पर फ़ोन करें, और ये उसका नाम है उस लड़के का, तो आप उससे कहें कि मैं फ़ोन पे इंतज़ार कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ कॉल बैक कर लें। और टप टप, जाहिर है वो जो एक होता ना हार्ट एक उस वक्त का होता भी बड़ा ही ज़ोरदार है, वो आपको एक ऐसे डिप्रेशन में मुब्तला कर देता ना। खैर उसने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया।